यूपीएससी ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। वहीं उन्नाव की छात्रा श्रुति शुक्ला ने जिले में टॉप किया है। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा श्रुति शुक्ला ने 97.2% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र अर्पित वाजपेयी ने 96.8% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि 95% अंक के साथ न्यू एरा पब्लिक स्कूल की निकिता मिश्रा और जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा शिवांगी दीक्षित ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्र छात्राओं की सफलता पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। जिले में पहला स्थान हासिल करने वाली श्रुति शुक्ला आईएएस अफसर बनना चाहती हैं। श्रुति शुक्ला जी, आपने आज स्थान जो है प्राप्त किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है फर्स्ट पोजीशन पे आके। इसका श्रेय किसको देंगे आप? प्रिंसिपल सर को, टीचर्स को और रिलेटिव्स को। घर वालों को? हाँ, रिलेटिव्स। क्या बनना चाहते हैं आप? आईएएस ऑफिसर। क्या कुछ कोई अलग सोच, एकदम अलग? एकदम अलग नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। कितना परसेंट आया? 97.2। तो वहीं अर्पित वाजपेयी ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार वालों को दिया है। छात्र ने बताया कि वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। सर, हम अपना इसका श्रेय अपने दादी, बड़े पापा और टीचर्स को देना चाहेंगे। और यही कि बोर्ड मतलब सही है, और स्कूल की वजह से जो फैसिलिटीज, स्कूल के टीचर्स ने जो गाइडलाइंस दी, उनकी जो टीचिंग थी, उस वजह से जो रिजल्ट या ये परसेंटेज हमें मिला। अच्छा, आगे कुछ और अच्छा करें। कितना परसेंटेज आया आपका? 96.8। जिले में क्या है आप आए हैं? सर, सेकंड रैंक है। अच्छा, अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग करना चाहेंगे। पढ़ लिख के आ गया, आप क्या करना चाहेंगे? पढ़ लिख के हम आगे अभी तो एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस साल 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि पिछले वर्ष 83.40% पास हुए थे। वहीं 12वीं का रिजल्ट आने के बाद 10वीं के छात्र भी रिजल्ट जारी होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट।